हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पर्सनल सेलिंग फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ फैशन डिपार्टमेंट। द सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज ऑरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विच द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग मीन्स ऑरली प्रोडक्ट की फीचर्स को कम्युनिकेट करके बताना उसके पोटेंशियल कस्टमर को या बायर को। पोटेंशियल मीन्स जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन। प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सबसे पुराना तरीका जो स्टार्ट हुआ था वो पर्सनल सेलिंग से ही हुआ था। मतलब कस्टमर को, बायर को फिजिकली फेस टू फेस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना और उसकी अटेंशन, कस्टमर की अटेंशन को क्रिएट करना। व्हेन इज इट मोर यूजफुल? कंपनी स्मॉल और हैज इनसफिशिएंट फंड टू कैरी ऑन एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जब किसी कंपनी या इंडस्ट्री के पास ज्यादा फंड्स ना हो, वो अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर, स्मॉल लेवल पर रन कर रही है, उसके पास इतना पैसा, फाइनेंस नहीं है कि वो एडवर्टाइजिंग जैसे लाइक टेलीविजन या सोशल मीडिया पर या किसी मैगजीन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, तब ऑरल कम्युनिकेशन या फिर जिसे हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं, उस प्रमोशनल टूल को यूज किया जाता है। व्हेन द मार्केट इज कंसंट्रेटेड? जब मार्केट फिक्स की गई है, एक टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई कर ली गई है, तब पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव है। व्हेन द पर्सनालिटी ऑफ द सेल्समैन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश रिपोर्ट और क्रिएट कॉन्फिडेंट। जब जो पर्सनल सेलिंग करने के लिए सेल्समैन है, जब उनमें इंटेंशन है, पोटेंशियल है प्रोडक्ट को सेल करने का, कस्टमर तक पहुंचाने का वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, उसमें ये क्वालिटीज हैं, जो हमारा सेल्समैन है वो कॉन्फिडेंट है, तो पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव होती है। व्हेन द प्रोडक्ट हैज हायर यूनिट वैल्यू, जब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो, उसके बेनिफिट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले हैं, तो पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव है। रिक्वायर्स डेमोन्स्ट्रेशन, इसके लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है पर्सनल सेलिंग के लिए। मस्ट बी फिटेड टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स नीड। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है या बायर है, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं वो उसकी नीड होना चाहिए, तभी पर्सनल सेलिंग का फायदा है, इफेक्ट तभी वो इफेक्टफुल होगी। इज परचेस्ड फ्रीक्वेंटली, क्या जो कस्टमर है, बायर है, उसे प्रोडक्ट की इंस्टेंट डिमांड है, उसकी उसे जरूरत है, वो एकदम से प्रोडक्ट को खरीद लेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग, इट्स अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, फेस टू फेस और रियल टाइम एनकाउंटर। उसी टाइम सेम मौके पे जो है कि वो पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव होती है। इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन, बायर और सेलर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। व्हाई आर फेस टू फेस एंड टू वे इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन या डायरेक्टली बिटवीन बायर और कस्टमर? तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एज फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर परस्पेक्टिव परचेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द सेल। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या है कि सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को स्ट्रैंड रखने के लिए, जो परचेजर्स हैं, बायर्स हैं, उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, उनके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करना। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस पर्सनल सेलिंग एज, पर्सनल सेलिंग इज अ ऑरल प्रेजेंटेशन इन अ कन्वर्सेशन विद वन और मोर परस्पेक्टिव परचेजर्स फॉर द परचेज ऑफ मेकिंग सेल्स। इट इज एबिलिटी टू परसुएड द पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द सेलर एंड बेनिफिट टू द बायर। What are the objectives of personal selling? First is creation of demand, demand को पैदा करना, demand लो customer में demand करने के interest, ताकि customer demand करे उसके interest को बनाना। Handling objectives, जो product को sale करने के objectives हैं, company के objectives हैं या किसी industry के objective हैं, कि उसको किस level तक sale को लेके आना है, उनको handle करना। Exploring hidden words, so क्योंकि personal selling
ऑरल कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसमें, इसलिए इसमें जो हम रिटन जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं बता सकते वो हम वर्बली भी बता सकते हैं। तो इससे हिडन वर्ड्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। एजुकेटिंग कस्टमर, कस्टमर को प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के लिए एजुकेट करना, कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्टअप करना एंड उनको उनके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को लेना। इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, बेनिफिट टू कंज्यूमर, बेनिफिट टू कंपनी, बेनिफिट टू सोसाइटी। सो दिस स्लाइड शोज आर फोर सेल्स चैनल्स विच इज यूज्ड इन द पर्सनल सेलिंग। फर्स्ट इज ओवर द काउंटर सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कंडक्टेड इन रिटेल एंड सम होलसेल लोकेशंस इन विच कस्टमर्स कम टू द सेलर प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जो सेलिंग होती है वो रिटेल और होलसेलर दोनों लोकेशंस पे पॉसिबल है, बट यहाँ पे कस्टमर सेलर को फिजिकली आके उसके प्लेस पे मिलता है जहां से उसे प्रोडक्ट को खरीदना है। फील्ड सेलिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन मेड एट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स लोकेशन ऑन अ फेस टू फेस बेसिस। फील्ड सेलिंग मीन्स मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस पे सेलिंग, मतलब कि यहाँ पे जो सेल्समैन है उसे पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे कि उसे अपना पोटेंशियल कस्टमर मिल जाए, जहां पे कि उसका पोटेंशियल कस्टमर है जिसको कि प्रोडक्ट की इमीडिएट नीड है, दैट इज कॉल्ड अ फेस टू फेस सेलिंग, ताकि वहां पे वो जो कि है सेल्समैन है वो बायर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सके। अनदर इज टेली मार्केटिंग, प्रमोशनल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द टेलीफोन ऑन एंड outbound basis by sales people or on an inbound basis by customers who initiate calls to obtain information and place order. So is marketing mein kya hota hai ki jo salesman hai aur jo customer hai wo vice versa ek dusre ko approach karte hain product ki demand ke liye aur product ki sale ke liye. टेलीफोनिकली जो बायर है वो सेल्समैन को कांटेक्ट कर सकता है, या फिर जो सेल्समैन है वो टेलीफोनिकली कस्टमर को अप्रोच करके उसे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझा के उसे प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर सकता है। इनसाइड सेलिंग, इट इज डन बाय टेलीफोन, मेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो इसमें स्पेसिफिकली फोन के थ्रू, मेल के थ्रू और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है वो पर्सनल वो सेलिंग की जा सकती है। द सेल्स प्रोसेस स्टेप्स फॉलो द AIDA कंसेप्ट। अटेंशन, ए मींस AIDA मींस अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। स्टेप्स इन सेल्स पर्सनल सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग। सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफाई करना, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे पर्सनल सेलिंग करनी है, जहाँ पे पर्सनल सेलिंग हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करना। प्री अप्रोच एंड कॉल प्लानिंग, उसके लिए पहले सारी स्ट्रेटेजीज बना के पोटेंशियल्स कस्टमर को किस तरह से हमने अप्रोच करना है इसकी सारी स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लान बनाना। प्रेजेंटेशन अप्रोच एंड डेमोन्स्ट्रेशन, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करके कस्टमर्स को बताना है, कस्टमर्स की अटेंशन क्रिएट करनी है, उस पर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, अगर पोटेंशियल कस्टमर की कोई क्वेरीज होती हैं, कोई डाउट्स होते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन की क्वालिटीज होनी चाहिए सारी। देन फाइनली क्लोज करना उसे और कस्टमर्स का फीडबैक लेना। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, पिक योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट आउट ऑफ द क्राउड। पूरे मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि नंबर ऑफ कस्टमर्स में आपका पोटेंशियल कस्टमर और आपका पोटेंशियल प्लेस कौन सा है जहां पे पर्सनल सेलिंग इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। Pre-approach means this stage involves the collecting of as much relevant information as possible prior to the sales presentation. मतलब product के through या customer के लिए relevant information इकट्ठी करना जहाँ पे sales promotion, personal selling effectively work कर सके। The pre-approach investigation is carried out one
कैरिड आउट ऑन न्यू कस्टमर्स बट ऑल्सो ऑन रेगुलर कस्टमर्स। सो प्री अप्रोच में क्या होता है कि जो पर्सनल सेलिंग के लिए जो सेल्समैन है वो रेगुलर कस्टमर्स को अप्रोच करते ही हैं, साथ ही वो नए कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, नए कस्टमर्स बनाने का भी काम जो होता है वो सेल्समैन का होता है। द अप्रोच सेल्स पर्सन शुड ऑलवेज फोकस ऑन बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स। This is done by using the product features and advantages. This is known as a FAB technique, feature, advantage and benefit. So salesperson इसमें salesperson को क्या करना चाहिए, customer को product के benefits बता के उनकी attention create करनी चाहिए, जिसे कि FAB technique बोलते हैं। जितना effectively salesperson product को specify कर सकेगा, उसकी techniques के बारे में, benefits के बारे में customer को बता के उसको कस्टमर में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकेगा, उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव टेक्निक मानी जाएगी। तो थ्रू प्रेजेंटेशन, सेल्स की प्रेजेंटेशन के थ्रू, द ट्रायल क्लोज इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे की प्रेजेंटेशन जब खत्म हो जाती है तब इसको यूज किया जाता है, नोन एज अ टेम्परेचर क्वेश्चन। टेम्परेचर क्वेश्चन के नाम से भी इसे जाना जाता है। टेक्निक टू एस्टैब्लिश द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन एंड द प्रोडक्ट। प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इज ही सेटिस्फाइड और नॉट, ये सारा ट्रायल क्लोज में आता है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, मतलब कस्टमर्स के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, अगर कोई क्वेरीज हैं, तो सेल्समैन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू उन ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट कर सके। क्लोजिंग द सेल्स, फाइनली सेल को क्लोज करना, देन कस्टमर का फीडबैक लेना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि उसके क्या रिव्यूज हैं, क्या प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन से वो सेटिस्फाइड है, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, तो उसका ग्रेड क्या है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। देन पर्सनल सेलिंग की जो एग्जांपल है, सेल्समैन शुड बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड। सेल्समैन को की मास्टरी होनी चाहिए पूरा ट्रेड में रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट जिस ट्रेड से जिस ट्रेड के लिए रेलेवेंट है उसमें उसकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। ही शुड बी कन्विंसिंग, हैव अ स्ट्रेटजी टू सपोर्ट हिज सेलिंग अप्रोच। कन्विंसिंग पावर उसमें होनी चाहिए और प्रोडक्ट को कैसे स्ट्रेटेजिकली उसने मार्केट में सेल करना है उसकी अप्रोच स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए। सिक्स थिंग्स विच मेक्स अ सेल्समैन सक्सेसफुल, छह चीजें हैं कि जो एक सेल्समैन में सिक्स क्वालिटीज हैं जो कि होनी चाहिए ताकि जो उसको टारगेट मिला है वो उसमें सक्सेसफुल हो सके। नो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटीज, उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सबके बारे में कस्टमर को पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, जिस ब्रांड के अंडर वो आता है, कंपनी ब्रांड के अंदर, उसके कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनकी पोजीशन क्या है, उनकी प्राइसिंग, उनकी कॉस्ट क्या है, कस्टमर्स की डिमांड बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के लिए कितनी है, इन सब की इंफॉर्मेशन भी सेल्समैन को होनी चाहिए। कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है, कस्टमर का रिगार्डिंग प्रोडक्ट की अप्रोच कैसी है, कस्टमर कितना विलिंग है प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसकी क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, ये इन सब की नॉलेज होनी चाहिए सेल्समैन को। देन फाइनली प्रोसेस ऑफ सेलिंग, किस प्रोसेस के थ्रू उसे कस्टमर को कन्विंस करना है, किस प्रोसेस के थ्रू उसे मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आना है, इसके बारे में नॉलेज। एंड नो ऑन सेल्स, इट मीन्स जो सेल्समैन है, सेल्समैन शुड बी कॉन्फिडेंट, उसे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकेगा, उसके बेनिफिट्स और उसकी क्वालिटीज के थ्रू कस्टमर को कन्विंस कर सकेगा। सो आई थिंक यू ऑल विल